Social capital of Pakistan. In combating against poverty, social capital plays an important role, especially in countries where high degree of socioeconomic inequalities exist. So Pakistan is also included in the list of such type of countries where social capital, weak social capital is being observed. In strengthening social capital, there is मच वर्क टू डू बिकॉज इन देश ऑफ़ पाकिस्तान यहाँ पर जो इनिक्वालिटीज़ की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है ड्यू टू दिचुएशन बहुत सारे क्लास सिस्टम्स हैं पाकिस्तान के अंदर ऑन द बेस ऑफ़ इनकम ऑन द बेस ऑफ इकनॉमिक स्ट्रेटिफिकेसन क्योंकि माशरा जो है उसमें कुछ लोग वो हैं जिनके पास रिसोर्स हैं जो चाहे लैंड लॉर्ड्स हैं चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास रिसोर्स भी हैं और उनके पास फाइनेंस भी है लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा नंबर वो है जो जॉब ओरिएंटेड हैं जो अपना काम करते हैं जो नॉर्मली मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी वो नंबर है जो बहुत लो रैंक पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं तो इस केस के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सोशल कैपिटल के कॉन्सेप्ट पर काम किया जाए और कलेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां पर लोग एक दूसरे के साथ भी काम करें और एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा सकें अब इसकी बहुत सारी डाइमेंशंस हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन विच इज़ मेनली इग्नोर्ड इन केस ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ द सोशियो कल्चरल डायमेंशन वट आई वॉन्ट टू सेक्चुअली इन द नेम ऑफ सोशियो कल्चरल डायमेंशंस कि अगर कोई इलाका जहाँ पर ख़ास तौर पर अगर गाँव का इलाका है तो वहाँ पर कुलेक्टिव जो बेनिफिट है कलेक्टिव बेटरमेंट पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ही वो दूर दराज के इलाक़े जहाँ पर ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन के रिसोर्स लेसर हैं वहाँ पर ज़रूरत है कि वहाँ के लोगों की जो बुनियादी स्किल्स हैं उसी इलाके के रहने वाले लोगों की स्किल्स के ऊपर काम करके उनको जो यूज़फुल पार्ट ऑफ द इकॉनमी है उसमें उनको कन्वर्ट किया जा सके सो वी कैन से दैट देयर इज़ ए ग्रेट नीड ऑफ वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इन द होल प्रोसीजर ऐसे सोशल प्रोग्राम्स ऐसे इकनॉमिक प्रोग्राम्स और ऐसे मॉडल्स को ऑप्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त हो भी रहा है पाकिस्तान में कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप की हुई हैं जो लोगों की बेटरमेंट के लिए लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए जो लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं और यूथ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको प्रोडक्टिव कम्युनिटी में कन्वर्ट किया जा सके बट स्टिल there is a much to do specifically regarding the promotion of social norms values beliefs and the situations and the institutions specifically so there is another important element that is the improvement and that is the promotion of the local culture हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ का अपना लोकल कल्चर जहाँ की अपनी लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर नफासत भी है और ख़ूबसूरती भी है लेकिन चूंकि लोकल कल्चर की प्रमोशन नहीं हुई है अब तक प्रॉपर एक मेकनिज़म के थ्रू कि वो लोग वो ख़ास तौर पर ख़वा जिनके पास दस्तकारी की स्किल्स हैं वो लोग जो अपने अपने इलाकों के अंदर बैठे हुए थर में बलूचिस्तान में पी में सवात के अंदर वो लोग जो अपनी अपनी लोकल प्रोडक्ट्स क्रिएट भी करते हैं उनके लिए मार्केट बनाई जाए और बाकायदा तौर पर सतह पर इन लोगों की जो सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल में लाकर इनको मुल्क की इकोनमी का हिस्सा बनाया जाए उससे क्या फ़र्क होगा उससे क्या चेंज आएगी उससे चेंज ही आएगी कि पाकिस्तान के अंदर अगर हुकूमत हर एक को रोज़गार नहीं दे सकती तो वो लोग जिनके पास स्किल है जो काम कर सकते हैं और जो काम करना चाहते हैं अगर वो मार्केट का हिस्सा बना दिए जाएंगे तो उससे जो अपनी कल्चर के साथ अपनी सकाफत के साथ लिंक भी मज़बूत होगा और उस सकाफ़त की बुनियाद पर पाकिस्तान का जो इमेज है जो सॉफ्ट इमेज है वो भी दुनिया में कम्युनिकेट होगा और अल्टीमेटली इससे बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो भी अचीव किए जा सकते हैं और इसके अंदर हमें वी मस्ट टॉक अबाउट द वॉलटियर्स दोज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग सोशल कैपिटल स्पेशली फॉर द पुअर पीपल बाय डिवोटिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर टाइम एंड डेफिनेटली रिसोर्सिस तो ऐसी जो बहुत सारी वलेंटियर ऑर्गेनाइजेशंस है या बहुत सारे जो वॉल्टियर इंडिविजुअल्स हैं उन सब की एफर्ट्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उन सब की एक कलेक्टिव एफर्ट है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सोशल कैपिटल की जो यूटिलाइजेशन है इसकी जो इसके जो बेनिफिट्स हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान के माशरे के अंदर बहुत सारे जो एथनिक रिलीजियस डिफरेंसेस हैं अगर सोशल कैपिटल की थेरी को सोशल कैपिटल की फ़िलासफ़ी को पूरे माशरे में स्प्रेड किया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे मसाइल का ना सिर्फ हल निकल सकेगा बल्कि उसका अल्टीमेट एक लॉन्ग टर्म फायदा ये होने वाला है कि हमारी जो यूथ है ख़ास तौर पर अगर हमारी हुकूमत और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी यूथ को इस फिलॉसफी के साथ लिंक कर दें कि उनकी वजह से मुल्क जो है वो लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है और मुल्क के अंदर लॉन्ग टर्म क्या चेंजेस लाई जा सकती हैं ख़ास तौर पर इकनॉमिक फील्ड के अंदर खास तौर पर सोशल जो कोहेसिवनेस है और उसके साथ साथ जो पार्टिसिपेटरी कल्चर डिज़ाइन होगा उससे माशरे के अंदर उससे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे सोशल फैब्रिक के जो रिफ्ट्स हैं उनको ओवरकम करने में ना सिर्फ कामयाबी मिलेगी बल्कि अल्टीमेटली आहिस्ता आहस्ा विद द तो पैसेज ऑफ टाइम इन मसाइल का हल जो बज़ाहिर लगता है कि महज सियासी मसाइल हैं और असल में उनका ताल्लुक माशरे के अंदर है तो मुशरा जब ख़ुद उनके एफर्ट के लिए कोशिश करेगा और कलेक्टिव एफर्ट करेगा और आज की जो नौजवान नस्ल है और ख़ास तौर पर वो सारे एलिमेंट्स जिनको बेकार समझा जाता है अल्टीमेटली वो उस सोशल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें ना सिर्फ हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बल्कि हमारी इकॉनमी के अंदर भी ये एलिमेंट बहुत इम्पॉटेंट रोल प्ले करने में कामयाब हो सकेगा